नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक होने वाले हैं। जो भी आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न भेजे हैं ये उन्हीं पर आधारित है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों आपसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि यदि पक्षियों का अध्ययन कहाँ पर होता है। दोस्तों पक्षियों का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी में होता है, तो ऑर्निथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी है। दोस्तों जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है उसके रचयिता युवराज सिंह है, जो कि एक क्रिकेटर है, तो युवराज सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक मैथ का प्रश्न पूछा गया था कि 544 अंकित मूल्य की वस्तु को ऑफ सीजन की वजह से उसे 496.80 रुपये में बेची जाती है, तो उसमें छूट कितनी हुई है। दोस्तों आपको पहले इसमें से इस जो 540 है इसमें से 496 को माइनस कर देना, जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों उसे आपको घटाकर 540 से भाग देकर 100 से गुणा कर देने, जिससे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8। तो आप 8 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था वो कब हुआ था। दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह था वो 1917 ईस्वी में हुआ था, तो 1917 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1917 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है। दोस्तों जो कोनी मुद्रा है वो स्वीडन से संबंधित है, तो स्वीडन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वीडन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो चंपारण तो बताओ हुए। दोस्तों होनरेबल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। होनरेबल त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है, तो नागालैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है उनके ऊपर ग्रेडा सील मोहर का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेडा सील मोहर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकती है, तो 12 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कौन सी पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। दोस्तों जो हेमी है वो पीछे की ओर भी उड़ सकता है, तो हेमी बर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तो बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बॉल पेन का आविष्कार जॉन बोर्न ने किया था, तो जॉन बोर्न आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तो मशहूर गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय कौन है। दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय है AR रहमान, तो AR रहमान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक म्यूजिक में दिया जाना वाला अवार्ड है, तो यहाँ पर AR रहमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये फिजी देश से संबंधित है, तो फिजी देश आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बाण भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। दोस्तों जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के राजदरबारी थे, तो आपका बाण भट्ट हर्षवर्धन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वायुमंडल दाब मापने के लिए किस पैमाने का यूज होता है। दोस्तों आपको बताना है कि तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। उसके लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है, बैरोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट में। दोस्तों अगला आपसे पूछा गया था बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है। दोस्तों बुर्ज खलीफा के जो मालिक है एच शेख खलीफ बिन जायद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बुर्ज खलीफा के मालिक है, तो बुर्ज खलीफा इनके द्वारा बनाई गई थी, तो ये एच शेख खलीफ बिन जायद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों बताने कि ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया है, तो प्रदीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था मंदिरों की भूमि भारत के किस राज्य को कहा जा सकता है। तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वो भारत में तमिलनाडु को कहा जाता है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। दोस्तों गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो सोने के सिक्के आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट में। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है। दोस्तों रंगोली है वो महाराष्ट्र की लोक कला है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न से पूछा गया था कि हॉकी टीम की एक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी की टीम है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्रिकेट में भी 11 होते हैं, आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि भोजन की उपस्थिति को किसे मापा जाता है। तो भोजन की उपस्थिति है उसे
कैलोरीन दोबारा मापा जाता है, तो कैलोरीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर की कीबोर्ड में कौन से बटन पर उसका नाम लिख होता है। दोस्तों स्पेस बार होता है, स्पेस बार के ऊपर इसका नाम लिखा होता है, तो स्पेस बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसी प्रकार की डेली अनलाइन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।